हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। ये है अमेज़ अल्फ़ा एक्स, यानी ये है एक चाइना फ़ोन जो होता है चाइना के अंदर और ग्लोबली लॉन्च, लेकिन ये मिलता है आपको gearbest.com के ऊपर। तो अगर हम एक कंपेयर करें छोटा सा इंडियन वर्सेस चाइना, यानी चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन वर्सेस इंडियन मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन, तो इसमें मुझे लगता है कि चाइनीज़ स्मार्टफोन्स जो है बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी प्राइस काफ़ी कम है। अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ इस अमेज़ अल्फ़ा एक्स की, तो इसमें आप स्पेसिफिकेशन जैसे देख सकते हैं, 18:9 का फुल HD प्लस स्क्रीन मिल रहा है, हीलियो का P25 मिल रहा है, 6 GB की रैम मिल रही है, इंटरनल मेमोरी मिल रही है आपको 128 GB की, और इसमें आपको बैटरी की पावर मिल रही है, यानी बैटरी मिल रही है आपको 3900 mAh की बैटरी, 8 MP का फ्रंट कैमरा, 16 MP का रियर कैमरा, टच ID बोले तो फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल रही है, साथ में आपको मिल रहा है USB Type-C। अगर हम वहीं अगर इंडियन स्मार्टफोन की बात करते हैं तो ये सब तो मिलता है, लेकिन उसकी प्राइस हो जाती है लगभग 30 से 25 हज़ार रुपये के ऊपर। और ये फ़ोन मिल रहा है इस टाइम, ऑफ़र चल रहा है, लेकिन ऑफ़र के बाद भी ये फ़ोन की प्राइस है 16 हज़ार रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्राइस पहुँचेगी ऑफ़र के बाद भी 20 हज़ार रुपये। तो ये स्मार्टफोन पहुँचेगा लगभग 20 हज़ार रुपये तक का। तो 20 हज़ार रुपये में आपको ये फ़ोन एक अच्छा चॉइस है आपके लिए, या मैं बोल सकता हूँ कि एक अच्छा पॉइंट है कि आप इसे ले सकते हैं। इसमें आपको फुल एकदम बेजल लेस स्क्रीन मिल रही है इस फ़ोन के अंदर, बेजल लेस बोले तो बेजल ही नहीं है इसमें लगभग, आप जैसे देख पाएंगे कि इसमें बेजल लेस स्क्रीन है, देख जैसे कि दिखा हुआ है यहाँ पे, बिगर स्क्रीन बेटर ग्रैप, यानी इसमें आपको स्क्रीन तो बड़ी मिलेगी, 6 इंच की स्क्रीन तो आपको मिलेगी, और इसमें मिलेगा एक्सपेक्ट रेशियो 18:9 का, तो स्क्रीन का साइज वैसे ही छोटा हो गया, और आपको ग्रिप करने में भी काफ़ी आसान रहेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया है सामने, और इसका कैमरा भी है काफ़ी अच्छा जबरदस्त धमाकेदार वाला। तो बात आती है प्राइस की, तो प्राइस इसकी है 16 हज़ार रुपये अभी ऑफ़र के अंदर, और ऑफ़र के बाद भी लगभग 20 हज़ार रुपये तक पहुँचेगा। लेकिन अगर हम इंडियन स्मार्टफोनों की बात करते हैं, तो इंडियन स्मार्टफोन की प्राइस इस कदर से ऊपर चली जाती है, 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये, जो 6 GB रैम वाले फ़ोन है उनकी भी प्राइस काफ़ी है। और चलो इसमें हम मानते हैं कि इसमें स्नैपड्रैगन नहीं दिया है, इसमें हीलियो का P25 दिया है, लेकिन ये कहीं भी स्नैपड्रैगन 625 से नीचे नहीं है, एकदम टक्कर देता हुआ, एकदम टक्कर देगा ये स्नैपड्रैगन के 625 को। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने इसका हवा बना के रखा है कि ये वाला प्रोसेसर एकदम बकवास है। जैसे मैंने वीडियो देखा अभी, थोड़ा सा कंपेयर देखा, तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं भी वो 625 से पीछे है, लगभग बराबर ही है। तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये भी प्रोसेसर, तो प्रोसेसर के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, सब कुछ मिल रहा है आपको, सारे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहे हैं आपको, सारे सेंसर मिलेंगे, बेजल लेस आपको एक अच्छा सा लुक मिल रहा है, बेजल लेस काफ़ी डिज़ाइनी फिनिश मिल रही है, ग्लॉसी फिनिश मिल रही है, और क्या चाहिए आपको, 16 MP का कैमरा भी है इसमें, सब है। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि ये इंडियन स्मार्टफोन से पीछे रह जाता है। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन एकदम सही है, अगर आप लेना चाहते हैं तो gearbest.com पे जाके इसे आप खरीद सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।